फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट फोकस. सो फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर कॉनकेव मिरर. सो ए बी, लेट ए बी बी द एपर्चर ऑफ द कॉनकेव मिरर पी पोल एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक एम एन बी द अपराइट ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट फोकस. अगेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी नीड टू री रिफ्लेक्टेड रे. सो फॉर दैट फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन स्ट्राइक ऑन द मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस. नाउ द सेकेंड रे विच इज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मली स्ट्राइक ऑन द मिरर. सो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी रिफ्लेक्ट, इट विल बी पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. सो वी कैन एज्यूम दैट दिस टू पैरेलल रेज विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट इन्फिनिटी. सो वी कैन राइट दिस थ्री पॉइंट्स. नंबर वन, पोजिशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी. नंबर सेकेंड, साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड. नंबर थर्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड वर्चुअल. नॉट द लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट, वैन योर ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एम एन बी इज योर अपराइट ऑब्जेक्ट एंड अगेन फॉर द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिफ्लेक्टेड रे. नॉट द फर्स्ट वन विच इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन स्ट्राइक ऑन द मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस. नॉट द सेकेंड वन, सेकेंड रे विच इज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मली स्ट्राइक ऑन द मिरर. अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन इट विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वी कैन एज्यूम दैट दिस टू रेज विल बी कमिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मिरर. सो इफ द रेज आर एक्सटेंड इन बिहाइंड सो दे विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिहाइंड द मिरर. देन वी गेट द इमेज एम डैश एन डैश. सो वी कैन राइट ऑल द थ्री पॉइंट्स. नंबर वन, पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर. नंबर सेकेंड, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड. एंड नंबर थर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर एंड हियर द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आउटर साइड. हियर एम एन बी द अपराइट ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी नीड टू रिफ्लेक्टेड रे. नॉट द फर्स्ट वन विच इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक ऑन द मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन. बट वी कैन एज्यूम दैट द रे विल बी कमिंग फ्रॉम द फोकस. इट इज अपियर दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस. नॉट द सेकेंड वन, इफ द रे इज नॉर्मली स्ट्राइक ऑन द मिरर सो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ अगेन इट विल बी एज्यूम दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सी. So this two reflected ray will intersect to each other at the point M dash. Now for the size of image, we can draw the perpendicular line on the principal axis. Then we get the size of image, that is M dash, N dash. Then we can write all these three points. Number one, position of image behind the mirror. Number second, size of image is smaller than the size of object. And number third is nature, and that is virtual and erect. Virtual and erect. Okay, next topic is linear magnification. Basically, linear magnification is defined by denoted by letter M, and we are having two different definition. According to definition one, linear magnification is defined by the ratio of size of image to the size of object, equation one. Then another definition of linear magnification, that is equal to distance of image to the distance of object. So we are having two different formula. Number one formula, M is equal to I by O, where I that is size of image and O means size of object. Another formula, M is equal to V by U, where V is distance of image and U that means distance of object. So if we compare equation 1 and 2, so one side is equal, then we can write the other side, which means I by O is equal to V by U. So M defined by I by O is equal to V by U. Now here some condition. Number one, if M, linear magnification is greater than 1, which means the size of image is magnified. Number second, if M is equal to 1, which means size of image is equal to the size of object. And number third, when M is less than 1, that means the size of image is smaller than the size of object. Now the last topic is rules for sign convention. And it is very important topic, because for the examination, for the numerical, we should know the sign for the sign convention for the numerical. So for that, again we have to draw this concave mirror APB, and this is your vertical line, and which is known as optical axis.
and this horizontal line is known as principal axis. So here we are having three different rule. Number one, for the upright object sign should be positive, for the downward image sign should be negative. Number third, if your object is placed in front of the mirror, so sign should be negative, and if your object or image is placed behind the mirror, so the sign should be positive. Okay, now the last one, the distance of image and the distance of object always be measured from the pole. Suppose here MN is your object, and here the distance of object is normally denoted by letter U, so I can write here minus U. And if M dash B is your image, and which is formed behind the mirror, so the distance of image is normally denoted by letter V, and according to sign convention we can write here positive sign. So we are having three different rules. Okay, thank you.